Hey guys, welcome back to my channel. आज हम रिव्यू करेंगे और अनबॉक्सिंग करेंगे टेराबाइट हार्ड ड्राइव केसिंग का. तो गाइस ये ऑर्डर किया मैंने फ्लिपकार्ट से. तो ये कुछ इस तरह से जो है हमारे पास इसका बॉक्स है. तो गाइस ये मल्टी कलर्स में आता है, ब्लैक, वाइट, रेड, ब्लू, है ना. कोई सा भी आ सकता है ये. कोई स्क्रू वगैरह नहीं इस केसिंग में. और ये USB 3.0 है, SSD और हार्ड ड्राइव. जो लैपटॉप वाली होती है 2.5 इंचेस वाली, वो आप लगा सकते हैं. दोस्तों सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये एक तो 400 रुपये में है और ये USB 3.0 है. USB 3.0 की जो स्पीड होती है वो होती है 5 Gbps. 5 Gbps का अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे तो वो निकलेगी आपकी 600 Mbps. ठीक है, तो यानी कि आपको 600 Mbps तक की आपको प्रॉपर ट्रांसफर रेट मिलेगा. अगर आपकी कोई SSD है और उसकी स्पीड है 500 Mbps, तो आराम से आपको 500 Mbps देगा. हार्ड ड्राइव की जनरली जो डेटा ट्रांसफर रेट होता है 100 Mbps के आसपास होता है, यानी कि आपको 100 Mbps तो पूरा मिलेगा क्योंकि 600 Mbps की बैंडविड्थ है. बढ़िया बॉक्स है ये. ठीक है, अब इसका करते हैं अनबॉक्सिंग स्टार्ट. ठीक है, तो सबसे पहले जो इसका बॉक्स पैक हम ओपन करते हैं तो इसके अंदर जो है हमें मिलता है कि टेराबाइट की हार्ड ड्राइव केस. इसमें कि केबल है, तो इतना ही है इसका डब्बे में. फिलहाल हम डब्बे को रखते हैं थोड़ा साइड. USB 3.0 केबल है. दूसरा साइड में जो है माइक्रो USB वाला इंटरफेस है. इसको जो है यहाँ पर लगाना होता है, बट उससे पहले जो है हम इसमें अपनी हार्ड ड्राइव को इंस्टॉल कर लेते हैं. इसको जो है बहुत ईजी है खोलना. इस साइड में यहाँ पे देखो निशान बना हुआ है. इस निशान पे जो है हमको इसको ओपन करना है. ये खुल गया है. आपको जो है हार्ड ड्राइव के अंदर लगानी है. तो हार्ड ड्राइव कैसे लगाएंगे, ऐसे लगेगा. ये आपकी इसकी हार्ड ड्राइव जो है इसके अंदर लग चुकी है. अब इसको हम कर देंगे बंद. बंद भी वैसे ही करना है जैसे निकाला था. ऐसे लगाएंगे, ऐसे बंद कर देंगे. हमारी हार्ड ड्राइव जो है ईजिली इसके अंदर लग चुकी है. बहुत ही ज़्यादा ईजी है इंस्टॉल करने के लिए, बहुत ही ईजी. आज बता रहा हूँ, इससे ईजी मैंने कुछ नहीं देखा है. चलिए अब इसकी USB 3.0 की टेस्टिंग कर लेते हैं. वाकई में USB 3.0 है या हमारा बेवकूफ़ बना रहा है. क्योंकि फ्लिपकार्ट अमेजोन में क्या होता है, इस टाइप के बहुत सारे प्रोडक्ट पड़े जिनमें USB 3.0 लिखा होता है, लेकिन प्रॉपर उनकी USB 3.0 स्पीड आती है. उनकी स्पीड आती है 40-50 Mbps. 40 Mbps पूरी नहीं आती. चलिए अभी ये हमारा हार्ड ड्राइव जो है डिटेक्ट कर चुका है. तो अभी जो है रीड राइट टेस्ट जो स्टार्ट करते हैं. क्रिस्टल डिस्मार्क टूल है, इससे मैं इसकी जो है स्पीड टेस्ट करने वाला हूँ. ठीक है, चलिए स्पीड अब नापते हैं इसकी. तो गाइस यहाँ पे हमारा स्पीड टेस्ट हो चुका है कंप्लीट. तो आप देख पा रहे होंगे क्या शानदार, क्या बढ़िया स्पीड आई है इसकी. 116 Mbps की रीड आई है और 120 Mbps की इसकी राइट स्पीड आई है. 400 रुपये का जो ये केसिंग है, तो भाई इसने मेरा दिल जीत लिया. मतलब लगा लो 300 रुपये में इनका जो है USB 2.0 वाला आता है. सिर्फ 100 रुपये और डाल के आपको जो USB 3.0 वाली केसिंग मिल रही है और एकदम इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ. मतलब मुझे तो यकीन नहीं था कि वाकई में इतनी स्पीड दे पाएगा, नहीं दे पाएगा प्रॉपर. मतलब इसमें जो लिखा है USB 3.0, तो ये वाकई में USB 3.0 है. अल्ट्रा बाइट्स करके कंपनी है, उन्होंने उनकी केसिंग थी टाइप सी वाली थी, जबकि टाइप सी में तो USB Gen 3.2 आ चुका है. आप समझ रहे हैं, और उसकी स्पीड तो बहुत खतरनाक पहुंची थी. वो 40 Mbps भी पूरी नहीं दे पाया था. ये इनका पुराना वाला जैसे मैं आपको बता रहा USB 2.0 वाला उस जमाने का. तो मतलब मेरे को तो भाई इनके प्रोडक्ट से बहुत सेटिस्फेक्शन है. ये मेरे पास बहुत पुराने जमाने का पड़ा, कम से कम 4-5 साल पुराना. ये USB 2.0 वाला है और तभी भी ये प्रॉपर 40 Mbps की स्पीड देता है. और ये इनका मैंने 3.0 मंगाया. गाइस मजा आ गया मुझे तो वाकई में. मतलब ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, यानी कि आपको प्रॉपर जो है पोर्टेबल हार्ड ड्राइव की जो पोटेंशियल मिलता है ना, वो मिलता है इसके अंदर. और मेरे पे पुरानी हार्ड ड्राइव पड़ी थी, वो इसमें डाल के मजा आ गया. तो ये तो भाई चीज मुझे बहुत शानदार लगी. तो आई होप गाइस आपको ये मेरा रिव्यू पसंद आया होगा. पसंद आया तो भैया चैनल को कर दो सब्सक्राइब. क्यों? क्योंकि मैं इस टाइप के ही गैजेट्स के रिव्यू डालता रहता हूँ, क्योंकि बहुत काम के होते हैं ऐसे छोटे मोटे रिव्यू. आप बड़े गैजेट्स के रिव्यू तो हर जगह मिल जाएंगे, पर आपको इन छोटे मोटे चुटर मोटर गैजेट्स के रिव्यू हर जगह नहीं मिलते हैं, वो भी मतलब एक सस्ते दाम में. आप समझ रहे हो, तो मैं वो बंदा हूँ. तो बस कर लो चैनल को सब्सक्राइब.